देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। नर्मदा में आज जन उद्योग व्यापार मंडल ने अमेजन कंपनी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। साथ ही मांग की है कि भारत के अंदर अमेजन कंपनी को बंद किया जाए, क्योंकि पुलवामा हमले में उपयोग की गई विस्फोटक सामग्री का लेन देन इसी कंपनी के माध्यम से हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। जांच के दौरान एनआईए ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा खरीदी गई विस्फोटक सामग्री की सप्लाई अमेजन कंपनी ने की थी। इसी को लेकर आज बांदा में आज जन उद्योग व्यापार मंडल के नगर के महेश्वरी देवी चौक पर अमेजन कंपनी का पुतला फूंककर प्रदर्शन की मांग की गई। पूरे भारत में इस कंपनी को बैन किया जाए, ये मांग की गई। यही पुलवामा के शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। करीब आधा दर्जन सैकड़ा सदस्यों ने मिलकर चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और इसके बाद अमेजन कंपनी का पुतला फूंककर अपना रोष प्रकट किया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। 14 फरवरी 2019 हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के नागरिक में वो दिन आज भी आंखों के सामने से वो मंजर नजर आता है, जहां 14 फरवरी 2019 का दिन आता है। आपको संज्ञान में होगा, उस दिन पुलवामा कांड में हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। उस सीआरपीएफ के जवानों ने आज उनकी शहादत पे जो एनआईए ने रिपोर्ट सौंपने का काम किया है, उसमें 19 आतंकवादी जहां सम्मिलित हुए हैं, उसमें साथ ही उसमें जो विस्फोटक सामग्री है उसमें अमेजन जैसी कंपनी से खरीदने का काम उस पोर्टल के माध्यम से हुआ है। जब अमेजन में सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब चीजें डालिए तो उससे रिलेटेड और भी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। हमारा कहना है कि जैसी राष्ट्रद्रोह करने वाली कंपनी अमेजन को हिंदुस्तान के अंदर बैन होना चाहिए। इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन आज यहाँ पर अमेजन का सांकेतिक रूप में पुतला दहन कर रहा है। अगर इस पर अमेजन पर कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन आंदोलन पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आदत जी, क्या नाम है आपका? अशोक मोहम्मद, मंडल अध्यक्ष। आज किस बात को लेकर आज पुतला जलाया गया? यहाँ पुतला जो है ये पुलवामा में जो कांड हुआ उसके खिलाफ अमेजन कंपनी के खिलाफ जो है आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। अमेजन कंपनी के द्वारा इनको विस्फोटक सामग्री दी गई जो कि बहुत ही अपनी निंदनीय है। यदि कोई हमारा व्यापारी वर्ग का आदमी होता तो आज उसके ऊपर बहुत ही देशद्रोह के मुकदमे कायम हो गए होते। परंतु अमेजन की बड़ी कंपनी है, इसके खिलाफ सरकार ने अभी तक जो है कोई आंखें तक नहीं खोली। हमारा आपके मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि इस कंपनी को तुरंत बैन करके इसको प्रतिबंधित किया जाए। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।